आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 2.1 में किए थे ना, ये देखें इतना हिस्सा तो वही सवाल का है। ये वाला दो स्केयर है साइडों पे, तो फार्मूले का स्केयर के नीचे वाली और इस स्केयर के नीचे वाली, इसको बंद कैसे किया था हमने। एक्स ये वाली अलामत, वाई और ये स्केयर बाहर चला गया, ये माइनस ए स्केयर वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा तो वही है जो हमने 2.1 में किया था। अब ये देखें, ये भी स्केयर है और दरमियान में माइनस है और ये भी स्केयर है। अब ये दो रकमें, एक ये है और एक ये है, दो रकमों पे स्केयर हो दरमियान में माइनस हो, यहाँ फिर फार्मूला लगता है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। ये पहली रकम जमा ये दूसरी, इसी तरह फिर ये पहली माइनस ये होगी दूसरी दूसरी। ठीक है जी, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में लिख लेने। ये दो ए का स्केयर हो गया, ये पहले ही स्केयर है। माइनस दो फार्मूले का लगाएंगे, स्केयर के नीचे वाली और फिर स्केयर के नीचे वाली, इसको साइड पे ऐसे ही रहने देंगे। ये 3c का स्केयर है। अब मैंने सेंटर वाली नहीं लिखी, उसकी जगह मैंने जैसे हमने 2.1 में सवाल किया है ना, उस तरह ये बनाया है। तो ये देखें 2 to 4 AB सेंटर वाली बन रही है। अगर बन रही हो तो हम इसको बंद करना हमने सीखा है कैसे, 2a - b का होल स्केयर, और ये पहले ही स्केयर है। ठीक है जी, दो रकमें स्केयर हों दरमियान में माइनस हो, तो एक दफ़ा प्लस किया जाता है और एक दफ़ा माइनस। तो पहली रकम ये सारी पहली है, प्लस दूसरी फिर पहली माइनस दूसरी। जी ये हो गए दो सवाल। आगे हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 6 ax + 9a² - 16b² यहाँ तक तो वही पिछले सवालों की तरह ही है। ये पहली स्केयर है, 9a² 3a का स्केयर है, दो फार्मूले का लगाएंगे, स्केयर के नीचे वाली और फिर इस स्केयर के नीचे वाली। ये 2 3 6 ax बन रहा है तो x + 3a का होल स्केयर, ये साइड पे हो जाएगा 4b का स्केयर, इसको फिर वैसे ले आएंगे। अब ये दोनों रकमें स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस। तो ये पहली जमा फार्मूले का ये दूसरी, इसी तरह ये पहली माइनस फार्मूले का और ये दूसरी। लें जी ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या है, y² - c² - +2cx - x² माइनस कॉमन लें तो ये सी स्केयर, यहाँ माइनस आ जाएगा 2cx + x² अब अगर हम गौर करें, दोनों साइडों पे स्केयर है, दो फार्मूले का भी है, स्केयर के नीचे वाली और स्केयर के नीचे वाली, ये पहले ही शक्ल बनी हुई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये सी ये माइनस और ये एक्स और ये स्केयर ऊपर चला। अब ये दोनों स्केयर हैं, दरमियान में माइनस है। अब ये आपने गौर किया होगा कि पहले मैंने पहले वाले स्केयर बनाया था, अब लास्ट से बनाया, क्योंकि यहाँ पर ये देखें ए और एक्स को मिला के ये सेंटर वाली बन रही थी, और यहाँ पर सी और एक्स को बनाकर सेंटर वाली बन रही है, इसलिए हमने आगे वाला हिस्सा इसमें लिया। उसी तरह एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, पहली प्लस दूसरी, पहली माइनस दूसरी। ठीक है जी, प्लस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो लामत चेंज नहीं होगी, माइनस हो तो अंदर वाली लामत तब्दील हो जाती है। नहीं जी ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x² + y² + 2xy - 4x² y² ये पहले ही फार्मूला बना हुआ है भाई, ये x माइनस वाई का स्केयर है और ये 2xy का स्केयर है।
दोनों रूप में स्केयर है, दरमियान में माइनस भी है, एक दफा प्लस कर लेंगे और एक दफा माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहली जमा दूसरी, पहली माइनस दूसरी। उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर सिक्स, ए स्केयर माइनस फोर ए बी प्लस फोर बी का स्केयर माइनस नाइन ए स्केयर सी स्केयर। ये पहले ही स्केयर है, ये टू बी का स्केयर है। दो हम फार्मूले का लगाते हैं, इसके नीचे वाली और फिर इधर से इसके नीचे वाली, ये फोर ए बी बन रहा है तो सिंपली ए माइनस टू बी का स्केयर। और ये इधर नाइन ए स्केयर सी स्केयर किसका स्केयर हो गया, थ्री ए और सी का। दोनों रूप में स्केयर है, माइनस भी आ गया, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, पहली जमा दूसरी, पहली माइनस दूसरी, ठीक है जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब है जी सेवन। सेवन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई जमा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी का स्क्वायर। ये जो इतना हिस्सा है, ये पहले स्क्वायर बना हुआ है एक्स माइनस वाई का, यहां से माइनस कॉमन ले लें, बाकी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का। तो ये तो स्क्वायर हो गई पहली। अब ये भी देखें, अंदर स्केयर बन गया ए माइनस बी का, नहीं जी। अब ये एक रकम है और ये दूसरी है, दरमियान में माइनस है, एक दफा जमा करेंगे और एक दफा माइनस। पहली जमा दूसरी, पहली माइनस दूसरी, ब्रैकेटें खोलें खोलें तो एक्स माइनस वाई प्लस है ना, तो कुछ भी नहीं होगा। एक्स माइनस वाई अगर माइनस हो तो अगली वाली अलामत चेंज हो जाती है। ले जी, सेवन क्वेश्चन एक तरह के हैं, आगे वाले जो क्वेश्चन है 12 तक वो एक तरह के हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।